हेलो फ्रेंड, हरर माधव। आज गैरेज में हीरो स्प्लेंडर प्लस बीएससी मॉडल गैरेज में आया है, FI मॉडल। तो इस पर करंट नहीं आ रहा है, देखिए करंट नहीं आ रहा है इसमें, बैटरी डाउन है। मेरे पास का बैटरी लगा है, फिर भी करंट नहीं आ रहा है। और सेल्फ स्टार्टर भी नहीं बैठ रहा है इसमें। और क्यों सेल्फ स्टार्टर नहीं बैठ रहा है, गाड़ी क्यों करंट नहीं आ रहा है, ये आपको पूरा जानकारी मिलेगा वीडियो में। लास्ट तक बने रहे, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी पहला चेक करेंगे, पहला स्टेप है कटआउट को डायरेक्ट करेंगे। अभी देखिए और डायरेक्ट किया, मोटर घूम रहा है, देखिए। अभी स्टार्टर ले को कहाँ से वोल्ट आता है, अर्थिंग का ग्राउंड कहाँ से आता है, ये भी आपको दिखाएंगे। पहला मल्टीमीटर मीटर में चाबी ऑन करने के बाद जो इस पर ब्लैक वायर है उसमें 12 वोल्ट आता है। कहाँ से आता है, 12 वोल्ट चाबी ऑन करने के बाद पहला आ जाता है इसमें। और यहाँ पे जो पीला में रेड पट्टी है और ब्लैक है, यहाँ पे क्या आता है, इसको ग्राउंड आता है, ग्राउंड इनपुट आता है। फिर भी मैंने इसको कट करके डायरेक्ट कर दिया, फिर भी स्टार्टर नहीं बैठ रहा है। अभी ये SM खोला हूँ मैं, SM में चेक करूँगा। इससे में जो पीला में रेड पट्टी है इस पर इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जब तक इसमें इनपुट नहीं आएगा आउटपुट, इससे हम आउटपुट ग्राउंड भेजता है, इसको भेजता है स्टार्टर रिले का। ये जो वाइट में रेड पट्टी वायर है उस पर भेजता है, देखिए यहाँ पर। पूरा लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा ये वीडियो में। उसके साथ साथ इसमें फ्यूल पम्प भी नहीं चल रहा है, अगर फ्यूल पम्प बंद रहेगा, फ्यूल पम्प चालू नहीं होएगा, तो करंट भी नहीं आएगा और इसमें स्टार्टर भी नहीं बैठेगा। ये BSC मॉडल में यही इसका प्रॉब्लम आता है। अब इसमें क्वांटिटी चेक कर रहा हूँ, कहीं से वायर कट भी नहीं है। अभी देखिए मैं जैसा इसका ग्राउंड दे दूँ इसको, तो मोटर घूमने लगेगा। देखिए आ रहा है ना, आवाज़ आ रहा है ना, मटर घूम रहे। ये ग्राउंड SM का थ्रू आता है, SM प्रोवाइड करता है इसका ग्राउंड। अभी देखिए इसमें कंटिन्यूटी पहला देख रहा था, पहला कंटिन्यूटी शो कर रहा था, अभी इसमें कंटिन्यूटी बिल्कुल ही नहीं दिखा रहा है। फिर से चेक करके दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसका वायर कहाँ से शॉर्ट है, थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है कहाँ पर, कंटिन्यूटी बिल्कुल ही नहीं दिखा रहा इसमें। अभी देखिए जैसे कि मैं वो वायर लगा दिया, दूसरा वायर बेंड कर दिया और इसमें करंट भी आने लगा, और उसके साथ साथ इसका फ्यूज दो उड़ गया था इसमें, फ्यूज भी मैंने दया नया डाल दिया, फ्यूल पम्प भी चालू हो गया, स्टार्टर भी चालू हो गया। का वायर एक कट था उसमें, जो पीला में रेड पट्टी वायर है वो कट था। अभी गाड़ी चालू हो गई, कहीं से कुछ भी झटका नहीं, कुछ भी नहीं। ये था एक छोटा सा जानकारी। वीडियो को चला रहा है तो मेरा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब होने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। अच्छे तरह से टेप कर देंगे उसको, कहाँ से वायर कटे उसको सट आउट करके टेपिंग मार देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और कमेंट करें।